नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथा पे। क्या जयचंद गद्दार था? जैसा कि थंबनेल में ये मेंशन किया हुआ है कि जयचंद गद्दार नहीं था, तो वीडियो इसी पर है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जयचंद एक गद्दार राजा था। इतना ज़्यादा इस पर बात हो चुकी है, कहा जा चुका है कि गद्दारी का पर्यायवाची शब्द अगर आप कहें तो जयचंद बोल सकते हैं। देश को बाहर के लोगों से नहीं, देश के जयचंदों से खतरा है। इन जयचंदों की वजह से ये हुआ, ये जयचंद की वजह से वो हुआ, जयचंद ना होता तो ये ना होता, ऐसा कह करके इतनी उपमाएं दी जाती हैं, इतनी आ, आ, बदनामी की जाती है कि जयचंद नाम ही लोगों ने अपने बच्चों का रखना छोड़ दिया, इतना इस नाम को बदनाम किया जा चुका है। लेकिन इतिहास के हिसाब से हमको देखना चाहिए, क्या ये सत्य है बात कि जयचंद गद्दार था? और गद्दार था तो इतना बड़ा गद्दार था कि बस उसी की वजह से सारा कुछ हो गया क्या? तो ऐतिहासिक तथ्यों पे हम बात करेंगे। जयचंद को गद्दार माना जाता है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के युद्ध के कारण, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने ही बुलाया था, इन्वाइट किया था। तो इसको हमको देखना होगा, ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से देखना होगा। सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि 1191-92 के समय का जो भारत था और जो आज का भारत है, वो दोनों एक नहीं थे। उस समय के भारत में जो आज का पाकिस्तान है, वो भी भारत ही था। और अफगानिस्तान के, जो आज का अफगानिस्तान है, उसके भी कुछ हिस्से भारत ही थे। तो भारत उस समय आज के पाकिस्तान सहित भारत था, मतलब मुल्तान है, सिंध है, लाहौर, पेशावर, ये सब भी भारत ही था जो आज पाकिस्तान है। तो 1175 के आसपास तक मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। मुल्तान जो कि पृथ्वीराज चौहान के शासन में नहीं आता था। मुल्तान पे उसने कब्जा कर लिया था और कुछ समय बाद उसने दक्षिणी सिंध पर, सिंध और दक्षिणी सिंध दोनों पे ही उसने अपना नियंत्रण कर लिया था। और ये दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के शासन में नहीं आते थे, ना ही इन दोनों सिंध, मुल्तान और इन सबसे उच्च से जयचंद का ही कोई लेना देना था या किसी प्रकार का कोई संबंध था, लेकिन ये सब भारत में ही थे। ये उस समय पाकिस्तान जैसी कोई कोई चीज नहीं थी उस समय, तो ये सब भारत में ही थे। और इससे स्पष्ट है कि 1175 तक ही मोहम्मद गौरी जो है भारत में प्रवेश कर चुका था। तो भारत में प्रवेश करने के लिए जयचंद ने बुलाया, ये तथ्य पूरी तरह से यहीं पे ही गलत सिद्ध हो जाता है। तो जयचंद का मोहम्मद गौरी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था और जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया भी। मुल्तान, सिंध वगैरह को मोहम्मद गौरी को बुला करके उनको हरवा देना जयचंद के लिए किसी भी तरीके से ना लाभकारी था, ना उसका कोई संबंध ही नहीं बैठता है उस बात से। और इसमें से सिंध जो था वहां पर मुस्लिम शासन ही था, क्योंकि भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो मुस्लिम अरब की तरफ से हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद कई लंबे संघर्ष के बाद वहां पर इस्लाम अपना पैर पसार चुका था सिंध में। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी आया तो उस समय वहां पर मुस्लिम शासन था सिंध पर, तो उसने मुस्लिम शासकों को ही हराया। इसके अलावा मुल्तान पर भी सुमेरु जनजाति के लोग थे। तो इससे आगे उच्च में उसने भाटी राजपूतों को हरा करके नियंत्रण हासिल किया। तो मोहम्मद गौरी 1175 तक भारत में प्रवेश कर चुका था और इससे ना पृथ्वीराज चौहान का कोई लेना देना था, ना जयचंद का कोई लेना देना था। इसके बाद उसने गुजरात की तरफ जाकर के आक्रमण किया 1178 में, और वहां पर सोलंकी राजपूतों का शासन था। भीमदेव सोलंकी उस समय वहां के शासक थे। तो चालुक्य भीमदेव सोलंकी से उसका युद्ध हुआ और इस युद्ध में चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था 1178 में। तो इसका भी जिक्र आपको इतिहास में बहुत नहीं मिलता है, या ये भी नहीं पढ़ाया जाता है, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने उसको 16-17 बार छोड़ दिया था। तो जब गुजरात में उसने आक्रमण किया तो गुजरात, जो आज का गुजरात है, जो आज भी भारत में ही है, उस समय भी भारत में ही था, तो
1178 में वो वहां आक्रमण कर चुका था। तो ये सारे तथ्यों से बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत पर मोहम्मद गौरी आक्रमण कर चुका था, भारत में वो आ चुका था, कुछ हिस्सों पे उसने नियंत्रण भी हासिल कर लिया था, कब्जा भी कर लिया था और वो लड़ाइयां भी लड़ रहा था। और यहाँ तक पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का कोई मोहम्मद गौरी से किसी प्रकार का कोई संबंध या लेना देना नहीं था। तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया, ये तथ्य पूरी तरह से निराधार है और यहीं पे ही ये खत्म हो जाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी जो था एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो भारत की समृद्धि से बहुत प्रभावित था, तो भारत पे नियंत्रण हासिल करना चाहता था, शासन स्थापित करना चाहता था। तो जब वो गुजरात में उसकी हार हो गई, लेकिन मुल्तान सिंध तक उसका वो था, तो उसकी सीमाएं जो थी वो पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से लगने लगी थी। अब या तो वो वहीं रुक जाता या उसको पृथ्वीराज चौहान से लड़ना उसके लिए आवश्यक हो गया था। तो 1182 के आसपास सतलुज के मैदान के बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का टकराव होता है। अब यहाँ ये एक ये बड़ा था युद्ध था, लेकिन ये इतना बड़ा युद्ध भी नहीं था, भयंकर युद्ध नहीं था, क्योंकि भयंकर युद्ध दो ही हुए हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 में तराइन में। तो ये 1182 में एक बड़ा टकराव हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने नहीं थे, ना ही एक दूसरे से उनका युद्ध हुआ। तो इसके बाद ही काफी सारी बातें, इसके बाद इसमें मोहम्मद गौरी की शायद हार हो गई थी या वो भाग गया था। तो इसके बाद भी उसकी सेनाएं ये कोशिश करती रही, एक छोटे मोटे आक्रमण करते रहे, टकराव पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाओं के बीच में होते रहे। तो इन्हीं टकरावों को अलग अलग उसमें कई नाम दे दिए। पृथ्वीराज रासो से ये वर्णन प्राप्त होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 3 बार पराजित कर दंडित किया। हमीर महाकाव्य का कथन है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 7 बार पकड़कर बांधा था। वहीं पुरातन प्रबंध संग्रह में भी 7 बार पराजित करने का उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया है कि पृथ्वीराज ने गौरी को करद बनाकर छोड़ा था, अर्थात वह उससे दंड और कर की वसूली करता था। प्रबंध कोश का लेख जो है वो 20 बार गौरी को पृथ्वीराज के द्वारा पराजित होना बताता है और कैद करना बताता है। सुरजन चरित्र महाकाव्य 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार गौरी को हारना बताया गया है। तो जितने ग्रंथ हैं वो अलग अलग ही संख्या दे रहे हैं, कोई 21 बार, कोई 20 बार, कोई 23 बार, कोई 17 बार, कोई 7 बार, कोई 3 बार। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की युद्धों को लेकर के। ये भी बिल्कुल गलत है, पृथ्वीराज चौहान ने 17, 16, 21 बार ऐसे नहीं हराया था मोहम्मद गौरी को। हाँ, उनकी सेनाओं के बीच कई मुठभेड़ हुई थी और उन मुठभेड़ों, उन टकरावों को ही युद्ध का नाम दे दिया गया है, क्योंकि वो टकराव थे और मोहम्मद गौरी की सेना हर बार भाग जाती थी या पीछे हट जाती थी। और ज्यादातर समय में पृथ्वीराज चौहान के जो मुख्य सेनापति थे पजमल राय कछवाहा, उनका कई इन कैंपेन्स में उदाहरण आता है जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी की सेनाओं को पीछे हटने को मजबूर करा या हरा दिया या भगा दिया। तो इनमें से किसी भी उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का ना टकराव हुआ और ना ये युद्ध थे, ये मुठभेड़े थी और छोटे मोटे। यहां तक भी अब जयचंद का कोई लेना देना पृथ्वीराज के साथ भी नहीं है और ना ही मोहम्मद गौरी के साथ, ना पृथ्वीराज जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया और ना किसी तरीके से उकसाया कि पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करे। इसके बाद 1191 और 1192 में 2 बड़े युद्ध होते हैं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी हार के भाग जाता है। इसमें अब हार के वो भाग गया है, इसमें ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे पकड़ के छोड़ दिया या माफ कर दिया, ऐसा नहीं करा है। इतनी बड़ी मूर्खता कोई शासक बार बार कर ही नहीं सकता था, और इतनी बार जीत करके ये भी एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही था। और 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है और वो जीत जाता है। तो कहानी जो है, ऐतिहासिक तथ्य है वो यही है, इसमें जयचंद का कहीं कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 1191 और 1192 दोनों युद्धों में जयचंद ने भाग नहीं लिया था और पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं। चौहान और गहड़वालों के बीच में एक लंबी प्रतिस्पर्धा चली आ रही थी, तो ऐसे समय में जयचंद ने इसलिए भी साथ नहीं दिया। और दूसरा, ऐसा भी कोई उल्लेख ऐतिहासिक नहीं मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद से सहायता मांगी थी। यदि जयचंद का मोहम्मद गौरी से किसी प्रकार का संबंध होता तो 1194 में चंदावर का जो युद्ध होता है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच ही होता है।
तो जयचंद अगर मोहम्मद गौरी के साथ होता तो उसको क्या आवश्यकता थी ये युद्ध लड़ने की? या मोहम्मद गौरी, हमारा इतिहास लिखा गया है क्योंकि काफी समय मुस्लिम भी यहाँ पर शासन में रहे, उसके बाद अंग्रेज भी शासन में रहे, फिर यहाँ पे वामपंथ की एक विचारधारा पनप गई जिसका उद्देश्य ही भारतीयों को हीन बना करके हीन दिखाना रहा है। तो इतिहास इस तरह से लिखा गया कि उसमें जो भारतीय राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उनको अपमानित किया जाए और उनको नीचा दिखाया जाए और सारा ठीकरा हर तरह के क्या नकारात्मक बात का उनके सर पे ही फोड़ दिया जाए, और इसीलिए उसमें जयचंद को उस बलि का बकरा बना दिया गया है। तो जयचंद, हो सकता है जयचंद में काफी कमियां रही हो, जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, ये भी एक खराब बात रही हो, आज के उससे अगर आकलन करें तो बहुत ही खराब बात रही है। लेकिन जयचंद कोई गद्दार, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि ये एक जो भ्रम, एक जो मिसकंसेप्शन फैलाया गया है जयचंद को लेके गद्दार था, उसको दूर करना था। यदि ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय मेरे को जरूर दीजिए कमेंट करके कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, और कोई तथ्य हो आपके पास तो उससे भी अवगत कराएं, तो कमेंट करके बताएं इस बारे में क्या है, ये अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, आपको जो भी राय है पॉजिटिव नेगेटिव वो मेंशन जरूर करें, और वीडियो ठीक लगे तो उसको शेयर भी करें। धन्यवाद।